हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल UPSI। दोस्तों, मैं अर्जुन और आज मैं आप लोगों को मैथ के एक चैप्टर एज रिलेशन यानी आयु संबंध के बारे में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। आप कई एग्ज़ाम देते होंगे, उनमें आपको ये सवाल मिलते होंगे, आयु से संबंधित जितने भी सवाल हैं एक या दो आते ही रहते हैं एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप आखिरी तक देखें, इससे आपको जितने भी आयु संबंधी सवाल हैं आपको सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस ज़रूर करना। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो कॉमन सी चीज़ जो सवाल में दी हम वो लिखेंगे। ठीक है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, ए, और छोटा कौन है, बी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब इन सवालों को करने का सिंपल सा तरीका यही है, जितने वर्ष का अंतर दिया है, ठीक है, जैसे इसमें 4 वर्ष का अंतर दिया है, इसे आयु के कुल योग में से घटाएंगे और फिर हम देंगे 2 का भाग। जब हम ये करेंगे तो हमेशा याद रखना, हमेशा छोटे वाले व्यक्ति की आयु निकलती है। ठीक है, तो यहाँ जब हम 22 में से ये आयु में जो अंतर है 4, जब हम 22 में से ये 4 को घटाएंगे तो आएगा 18, और इस 18 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 9। ये हमेशा छोटे व्यक्ति की ही आयु निकलती है। ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति बड़ा दिया हो सवाल में या छोटा दिया हो, आपको तो उस अंतर को कुल योग में से घटा देना है। हमने भी यहाँ 22 में से 4 को घटाया, आया 18, और 18 में 2 से भाग दिया तो आया 9, यानी छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, 9। अब सवाल में हमसे पूछा है बी की आयु, तो बी तो छोटा है, तो जो हमने एज निकाली वह बी की आयु हो जाएगी 9 वर्ष। ठीक है, अगर यहाँ पर ए की आयु पूछते तो ए 4 वर्ष बड़ा है, तो हम 9 में 4 जोड़ देते तो ए 13 वर्ष का हो जाता। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, अजय और मोहन की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है, यदि अजय मोहन से 6 वर्ष छोटा है तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ये सवाल भी सिंपल है, सेम टू सेम सवाल। ठीक है, बस यहाँ पर ये दिया है कि जो अजय है वो मोहन से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि मोहन बड़ा है और अजय छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही करना है, आपको कुल योग में से अंतर घटाना है, तो जब हम 28 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएंगे 22, और जब हम 22 में 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 11, यानी कि छोटे व्यक्ति की आयु हो गई 11। अब सवाल में हम देखेंगे, हमसे पूछा गया है मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन तो बड़ा है, ठीक है, तो मोहन 6 वर्ष बड़ा है, तो जो ये 11 आया है इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 11 और 6 17 हो जाएंगे, यानी मोहन की आयु कितनी है, 17 वर्ष। ठीक है, तो ये सिंपल से सवाल हो गए हैं। अब इससे थोड़े और टफ जो सवाल आते हैं पेपर में हम वो देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि बी की आयु ए की आयु की 2/3 है तो ए की आयु क्या है। ठीक है, सवाल सिंपल है बिल्कुल, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो दिया है हम बिल्कुल वैसा रखेंगे। ठीक है, उनने कहा है कि ए की आयु का 2/3 बी है, ठीक है, तो ए का 2/3 निकालेंगे तो बराबर में कितना आएगा, यानी हम रखेंगे ए गुणा 2/3 बराबर बी। ठीक है, अब ये कंडीशन रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो गुणा का ए है जब इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग का हो जाएगा, यानी बी के बटे में आ जाएगा, तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, 2/3 बराबर बी बटे ए। ठीक है, अब बस आपको ये मान लेना है कि जो बी है बी के बराबर में क्या है, 2। ठीक है, तो आप मान लीजिए बी आयु 2 है और ए की आयु 3 है। ठीक है, अब सवाल को पढ़ेंगे और जो दिया है वो करेंगे। ठीक है, उनने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो ए की आयु 3 है, बी की आयु 2 है, तो तीनों 2 में कितने का अंतर है, 1 का। ठीक है, और उनकी आयु में अंतर कितना है, 7, यानी ये 3 और 2 के बीच में जो 1 का अंतर आया है ये 1 बराबर 7 होगा। ठीक है, तो अगर 1 बराबर 7 है तो हमसे पूछा है ए की आयु क्या है, 3, तो अगर 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर क्या है, हम मान लेंगे एक्स है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे इसे, ठीक है, तो एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा एक्स, और 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 × 7 = 21। ठीक है, यानी ए की उम्र कितनी आएगी, 21 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सवाल है, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अगला सवाल फिर बता देता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल ये है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की आयु के 4/3 के बराबर है तो ए की आयु क्या है? ठीक है, अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा रखेंगे जैसा पिछला सवाल किया था। उनने कहा है कि ए की आयु का 4/3, तो हम लिखेंगे ए गुणा 4/3 बराबर क्या है, बी। ठीक है, अब हम ए को, ए जो गुणांक है इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। ए को जब हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग का हो जाएगा, यानी बी के नीचे आ जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी 4/3 बराबर बी बटे ए। ठीक है, हम वही मानेंगे जो पिछले सवाल में माना था कि बी की आयु 4 और ए की आयु 3। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यानी बी की आयु 4 और ए की आयु 3 में कितने का अंतर है, एक का अंतर। एक बराबर कितना अंतर दिया है, 6। ठीक है, तो हमसे पूछा है ए की आयु क्या है, ए की आयु कितनी है, 3। तो अगर एक बराबर 6 है तो 3 बराबर क्या है, इसे हम क्रॉस गुणा करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 18, यानी एक्स बराबर 18 वर्ष। हमसे पूछा है ए की आयु, ए की आयु कितनी आई, 18 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगले टाइप का हमारा जो सवाल है वो ये है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों, ये सवाल पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं जिसमें वर्तमान का अनुपात दिया होता है और भूतकाल या भविष्यकाल का भी अनुपात दिया होता है। इन्हें करने का बहुत अच्छा तरीका है, पर शर्त ये होती है कि जो अनुपात दिए हैं वो किस कंडीशन में दिए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल है तो इसमें आप देखें तो अनुपात 5:4 है, यानी हम इसे 5/4 लिख सकते हैं, और ये हो गया 4:3, यानी 4/3। तो अगर आप देखें जो 5 का था वो 4 हो गया और जो 4 का था वो 3 हो गया, यानी कितने कितने का अंतर आया, एक एक का अंतर आ रहा है दोनों में। ठीक है, यहाँ अंतर बराबर है। मतलब ये है कि जब भी आपको अनुपात का ऐसा सवाल आए कि जिनके अनुपातों में अंतर समान हो, तो उन्हें हम और सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों में एक एक का अंतर आया है, ठीक है, और वो भी कितने साल पहले, 2 साल पहले, तो यानी ये 1:2 दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु इनमें कितने का अनुपात है, 5:4 का। ठीक है, ए की आयु कितनी है, 5। ठीक है, तो हमें अगर ए की आयु निकालनी है तो हम क्या रखेंगे कि 1:2 वर्ष है तो 5:2 क्या है, इसे सॉल्व करेंगे जब हम क्रॉस गुणा करके तो आ जाएगा 5×2 = 10, यानी कि ए की उम्र कितनी होगी, 10 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की जैसा है बिल्कुल, कि ए और बी की वर्तमान आयु में 2:5 का अनुपात है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:7 का अनुपात हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम अनुपातों में अंतर देखेंगे। तो पहले अगर आप देखें वर्तमान के अनुपात में और पूर्व में जो आयु है वो है 4:7 के अनुपात में। ठीक है, और बाद में जो आयु है वो 4:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2/5 और 2/5 के सामने लिखेंगे 4/7। अब अगर आप इनमें अंतर देखें तो अंतर बराबर है, अंतर है 2:2 का, यानी कि ये भी हम सवाल पिछले वाले सवाल के जैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और 2 का अंतर आया 6 वर्ष बाद, यानी 2:6 का अंतर है, तो हम लिख लेंगे 2:6। अब हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बी की कितनी है, सबसे पहले अनुपात देखें वर्तमान का 2:5, यानी ए 2 वर्ष का है और बी 5 वर्ष का है। तो अगर 2:6 है तो 5, बी की आयु 5 क्या होगा, हम मान लेंगे एक्स। अब इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, यानी 2 और x का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 2x और 6×5=30, यानी 2x=30। अब इस 2 से हम 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार, यानी x = आ गया 15। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 15 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। हमारा चौथा टाइप का क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा टफ है। ये क्वेश्चन पेपर में सबसे टफ माने जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 7:3 का अनुपात होगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि वर्तमान आयु है 3:1 और बाद में जो आयु का अनुपात हुआ वो हुआ 7:3। हम यहाँ पर सबसे पहले अंतर देखेंगे इनके अनुपातों में, लिख लेंगे हम 3/1
और जब हम 7/3 इनके अंतर देखेंगे तो अंतर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। पिता की आयु में 4 का अंतर आ रहा है और पुत्र की आयु में 2 का अंतर। अब यहाँ पर अंतर बराबर नहीं आ रहा है, यानी हमें पिछले टाइप की तरह ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन अलग है। तो इसे अलग हम कैसे करें, इसकी करने की ट्रिक ये है, आपको क्या करना है इनके अनुपातों में क्रॉस गुणा कर देना है। तो जब हम 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 9 और 1 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 7, यानी 9/7। तो ये 9/7 इनकी कुल आयु निकल के आई है, ठीक है। अब इनकी आयु के अनुपातों में कितने का अंतर है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 का अंतर है। इस 2 को हम लिख के रखेंगे, ये अभी बाद में काम आएगा, ठीक है। अब हमारी ट्रिक यहाँ ये है, आपको क्या करना है, इनकी बाद में जो आयु है उसमें कितने का अंतर है, 7/3 हो गई, यानी कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का, 7 में से 3 जाएंगे, 4 आएंगे। अब ये 4 का अंतर तब आया जब 5 वर्ष हुए, तो इस 4 में हम इस 5 का गुणा कर देंगे, यानी 4×5=20, यानी इनकी कुल आयु में 20 वर्ष का अंतर आया होगा, ठीक है। यानी जो हमने थोड़ी देर पहले 9-7 करके 2 निकाला था अनुपात में अंतर, तो जो वो अनुपात में अंतर है वो इनकी कुल आयु के अंतर के बराबर है। अगर पिता की आयु निकाल ली है तो यहाँ दिया है कि 2/20, हम क्या करेंगे, हम अंतर उठाएंगे, जो अनुपातों में अंतर 2 आया था, 2 बराबर कितने दिए हैं, 20, और पिता की वर्तमान आयु है 3, ठीक है। तो अगर 2/20 हैं तो 3 बराबर हम मान लेंगे x, और जब हम इनका क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x/60, ठीक है। 2 से हम इस 60 को काट देंगे तो ये कटेगा 30 बार, यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी हुई, 30 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस सवाल में कुछ भी डाउट है तो अगला सवाल सेम है बिल्कुल, उसे देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 8/3 का अनुपात है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 13/3 था, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले अनुपातों में अगर अंतर देखें तो अनुपातों में अंतर अलग अलग है, 8 और 13 में 5 का अंतर है और 3 और 3 में 0 का अंतर है, यानी ये सवाल हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें क्रॉस गुणा करके करना होगा। अब हम इनके अनुपातों में अगर क्रॉस गुणा करें तो आएगा 8×3=24 और 3×3=39, यानी इनकी कुल आयु में अंतर कितने का हुआ, 24 में से 39 घटाएंगे, यानी 15 वर्ष का अंतर है, ठीक है, हमें याद रखना है। हम क्या करेंगे, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 13/3 का अनुपात था, तो 13/3 में कितने का अंतर है, 10 का, और ये 10 का अंतर तब आया जब 6 वर्ष पहले गए, तो इस 10 में हम 6 का गुणा करेंगे, यानी 60 वर्ष, तो ये 60 वर्ष निकल के आई क्या, कुल आयु, ठीक है। अब जो हमने अंतर निकाला था 15, उसके सामने हम 60 वर्ष लिख देंगे, ठीक है। हमें बतानी है पुत्र की आयु, अगर हमें पुत्र की आयु बतानी है तो पुत्र और पिता का अनुपात क्या दिया है, पिता 8 हैं और पुत्र 3 हैं वर्तमान में, ठीक है। तो अगर 15/60 है तो पुत्र की आयु 3/ कितनी है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम 15 से 60 को काट देंगे 4 बार, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 4×3=12, यानी पुत्र की आयु हुई 12 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे इस सवाल की सिर्फ भाषा चेंज है, ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक है। सबसे पहले सवाल समझ लें, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। सेम पिछले सवाल की तरह ही है, बस थोड़ा सा इस सवाल को समझना है। यहाँ कह रहे हैं कि ए की जो आयु है वो बी की आयु की 2 गुनी है, यानी अगर बी 1 साल का हुआ तो ए कितने साल का हुआ, 2 साल, यानी इनकी आयु में कितने का अनुपात होगा, वर्तमान आयु में 2:1 का अनुपात, ठीक है। अब 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, यानी अगर बी 1 हुआ तो ये कितना हुआ, 4, यानी 8 वर्ष पहले इनकी आयु में कितने का अनुपात था, 4:1, तो हमें वर्तमान और पूर्व के अनुपात मिल गए। अब हम बिल्कुल पहले जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे, पहले हम देख लेंगे अंतर समान है कि नहीं, तो अगर हम अंतर देखें तो अंतर समान नहीं है, ए की आयु में 2 का अंतर और बी की आयु में 0 का अंतर है। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें क्रॉस गुणा करके सॉल्व करेंगे, तो जब हम गुणा करेंगे क्रॉस तो ये हो जाएगा 2:4, ठीक है। अब 2 और 4 में कितने का अंतर है, 2, इस 2 को हम रखेंगे क्योंकि आगे हमें गुणा करना है। सबसे पहले देखिए कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, 4:1, यानी 4:1 में कितने का अंतर है, 3। दोस्तों ये 3 सवाल हो गए, आपको हमेशा याद रखना है, आपको अनुपात वो उठाना है जो बाद में या पहले अनुपात हुआ है, कभी भी वर्तमान अनुपात नहीं उठाना है, ठीक है। तो हमने इसमें पूर्व का अनुपात उठाया है, ठीक है, पूर्व में इनका अनुपात था 4:1, ठीक है। तो 4 और 1 में कितने का अंतर है, 3, और इस 3 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3×8=24 वर्ष, ठीक है। ये हो गई कुल आयु, हमने जो अंतर निकाला था 2, उसके सामने रखेंगे हम 24,
हमसे पूछी है बी की वर्तमान आयु, तो ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात है 2:1 का, यानी ए 2 वर्ष का है तो बी 1 वर्ष का, तो हम रखेंगे 2 बराबर 24, तो बी की आयु 1 बराबर क्या है। इसे सॉल्व करेंगे कि तो 2 से 24 को काटेंगे 12 बार, एक्स बराबर हो जाएगा 12 वर्ष, यानी बी की आयु आई 12 वर्ष, ये हमारा आंसर। हमारा ये वाला सवाल संख्या पद्धति पे आधारित है। सवाल है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, देखिए 4 वर्ष बाद योग 56 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद पिता भी 4 वर्ष बड़े हो जाएंगे, पुत्र भी 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो दोनों कुल कितने बड़े हुए, 4 और 4 8 साल बड़े हो गए दोनों, यानी जब उनका योग 8 बढ़ा तो वो 56 हो गया, तो आज कितना होगा ये जानने के लिए हम 56 में से 8 घटा देंगे, 56 में से 8 घटाए तो कितना आया 48, यानी आज उनकी आयु 48 है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इनकी आयु का वर्तमान योग 48 वर्ष है, ठीक है, और इनकी वर्तमान आयु में 7 और 1 का अनुपात है, यानी अगर पिता 7 वर्ष के हैं तो पुत्र 1 वर्ष का है। ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग क्या हुआ, 7 और 1 8, और 8 बराबर दिया कितना है 48। ठीक है, तो अगर 8 बराबर 48 दिया है तो पुत्र की आयु 1 बराबर क्या होगी। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 से हम 48 को काटेंगे 6 बार, और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी पुत्र की आयु वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो कितनी है 6 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हों और आपको ट्रिकें पसंद आई हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।